अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान 2021 का कैलेंडर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कैलेंडर के ज़रिए से आप सहरी और इफ्तारी का टाइम टेबल बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 14 अप्रैल बरोज़े बुध को पहला रमज़ान हो रहा है और पहला रमज़ान में जो ख़त्म सहरी का वक्त है वो 4:04 पर है। आप बड़ी आसानी के साथ इस कैलेंडर में देख सकते हैं। और इफ्तारी का जो वक्त है वो 6:08 पर है। इसी तरह करके इस कैलेंडर के ज़रिए से अब 30 रमज़ान तक का ख़त्म सहरी और इफ्तारी का वक्त इस कैलेंडर के ज़रिए से आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। इस कैलेंडर को आप स्क्रीनशॉट भी ले कर रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े आप इसे निकाल कर देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन याद रखें कि ये कैलेंडर जमशेदपुर झारखंड का है, ये कैलेंडर झारखंड का है। अगर आप दूसरी जगह पर हैं तो आपका टाइम टेबल कुछ यहाँ से अलग होगा। लिहाजा अगर आप अपने शहर का, अपने महल्ले का अगर टाइम टेबल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। मैं किसी भी शहर का टाइम टेबल आपके निकाल के दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें दोस्तों। किसी भी शहर का टाइम टेबल देखने के लिए आपको सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र खोल लेना है। मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च करना है इस्लामिक फाइंडर रमज़ान। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्पेलिंग भी देख सकते हैं। इस्लामिक फाइंडर रमज़ान लिखकर आपको सर्च मार देना है। सर्च मारने के बाद जो सबसे पहला ऑप्शन आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रमज़ान कैलेंडर 2021 लिखा हुआ है। इस पर आपको टच करना है। इस पर टच करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च यूअर सिटी। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस शहर में, जिस गांव में रहते हैं, उस शहर का नाम यहाँ पर लिखें। मैं पटना का आपको सर्च करके बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने पटना का सर्च किया और ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ गया। एक रमज़ान 14 अप्रैल को है और जो ख़त्म सहरी का वक्त है पटना में वो 4:09 पर है और जो इफ्तारी का टाइम है वो 6:13 पर है। इसी तरह करके पूरे 30 रमज़ान तक का टाइम टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप जिस सिटी में भी रहते हैं उस सिटी का नाम यहाँ पर सर्च करें और यहाँ से सर्च करके आप बड़ी आसानी के साथ अपने शहर का रमज़ान का कैलेंडर निकाल सकते हैं।